गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज 7 मई 2023, हम अभी कुडेल कैनाल में हूँ। अपना दूसरा दिन है। कल हम लोग कुडेल कैनाल पहुँच गया था, लेकिन कल अपने को अच्छा रूम नहीं मिला था, तो कल सैटरडे था। तो आज अभी 12 बज गए, एक प्रॉपर्टी हमें ढूंढ के मिली है अभी। तो अभी 12 बज गए, इसके लिए हमारा एक लंबा जाने का एक प्लान था। एक विलेज यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर में, लेकिन अभी तो नहीं जा सकते वहाँ पे। तो आज का प्लान है अपना कोडेकनाल जो सिटी है वहाँ पे लेक है, बाकी कुछ बगीचे है, जिसले के कैशुअल जो हम और आप अगर जाते हैं तो क्या देखते हैं, क्या दिखते हैं वहाँ पे, वो वैसा ही है। हम लोग अभी जा रहे हैं, तो जो भी वहाँ पे है वो हम आपको दिखाएंगे। और चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो एंड तक देखिए, छोटा वीडियो ही रहेंगे ये। ओके, थैंक्स। हमारे साथ हमने अपना पेट को भी लाया है, वो भी आई है। अपना इनका नाम है इनाया, पर्शियन मिक्स ब्रीड है, हाइब्रिड है। तो उनका भी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ उनके साथ में, वो अच्छी तरह से बैठी थी, अच्छा था। तो यहाँ आके इनको भी एक अच्छा टाइम पास मिला है। देखो, मक्की मारने की, यहाँ पे मक्की ज़्यादा है, वो भी मार रहे हैं। गियर से ज़्यादा मक्की मेरे गाड़ी के ऊपर ही है। मैंने सोचा कि इनको इनका शौक है ना, अभी मारने दो, गाड़ी के ऊपर इतना मक्कियाँ हैं। लेकिन वो देख के उनका मूड चेंज हुआ लगता है, इतना ज़्यादा मक्की को एक साथ में देखे ना, वो थक गई। अभी यहाँ पे तो मक्की है, दूसरा कुछ है ही नहीं। अपना मुंबई में तो मच्छर मिलता था, लेकिन यहाँ पे मक्की है बस। अब कोडेकनाल लेके बस हम लोग पहुँचे और गाड़ी यहीं पे पार्क किया। और देखिए, लोग बोटिंग कर रहे हैं, हमने भी लास्ट टाइम किया था, अभी तो मूड नहीं है, मतलब बहुत किया हूँ। तो देखिए, यहाँ का जो एंटरटेनमेंट है वही है, कोई भी हिल स्टेशन हो तो पानी रहता है और बोटिंग, उनका मज़ा ही अलग है। देखो, लोग एकदम एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं। और घोड़ा भी रहता है, घुड़सवारी भी होते हैं इधर। ये जो कोडेकनाल लेक है वो स्टार का आकृति में है, जो तारे हैं ना उनका वही आकृति में है, स्टार लेक कहते हैं और कोडाई लेक भी इसको कहते हैं। और ये ब्रिटिश ने बनाए, ये मैन मेड है, ये जो लेक है वो सर वेरी हेनरी लिविंजे, उस टाइम का जो कलेक्टर था मदुरई का, उन्होंने ये लेक क्रिएट किया था जो ब्रिटिश के ज़माने में। तो ये बहुत पॉपुलर है और ये 4.5 किलोमीटर है। अगर आप लेक के बाजू से, अगर इस बाजू से उस बाजू तक चलना है, 4.5 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा। बहुत बढ़िया है, लोग चलते भी है। तो इसके बाजू में ये ब्रायंट पार्क, अभी ये हो के हम लोग ब्रायंट पार्क में जाएंगे भाई। और हिल स्टेशन में साइकिल चलाने का भी मज़ा कुछ और है। हम लोग अभी जस्ट ब्रायंट पार्क में एंट्री किया हूँ। देखिए, यहाँ पे हर तरह के फूल पौधे वगैरह मिलते हैं और एकदम सीनिक बनाया है, बैठने के लिए भी है। जितना भी लोग आते हैं यहाँ पे आते ही है, क्योंकि इसका जो व्यू है बहुत बढ़िया है, आग को ठंडक देती है। और यहाँ का एंट्री जो है वो 30 रुपया बड़ों के लिए और बच्चों के लिए 15 रुपया है।
और ये 9 बजे से सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक है। कोई भी जाते हैं ना अपना कुडेकिनाल ब्रायन पार्क जाता ही है। उसके बाजू में कॉकर्स वॉक बोल के हैं, वो जो है वो एक पहाड़ के साइड से अपने को पूरा जो खाई है वो दिखती है। हम लोग वहाँ पे आज नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे बैठने के लिए अच्छा एक लॉन जैसा एरिया है, जैसा बड़ा लॉन ही है, तो लोग यहाँ पे बैठते, बच्चे खेलते, बहुत बढ़िया है। अपना महाबलेश्वर में भी ऐसे अच्छा एक पार्क चाहिए था, लेकिन नहीं है। एक हिल स्टेशन में इसका ज़रूरत है। वहाँ पे एक पब्लिक टॉयलेट भी है, तो सबके लिए वो भी अच्छा है। यहाँ से ये पार्क का एकदम बढ़िया व्यू मिल रही है, ठीक है, कितना हरा भरा है और बहुत बढ़िया रखा है, बहुत खूबसूरती है इसमें। अब बीच बीच में यहाँ पे बारिश भी होती है, उसकी वजह से हरा भरा कभी भी हरा भरा रहते है। Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really ना इनाया को बांध के रखना पड़ रहा है, नहीं तो ये भाग रही है। कोडेकनाल में भी फोग आ रहे, फोग कोहरा कहते हैं ना, कोहरा आ रहे, और तमिल में कहते हैं कोडे, तो कोडे आ रहे। ये तो है, यहाँ पे शाम आते ही ऐसे माहौल चेंज हो जाती है। एकदम बढ़िया है, अच्छा लग रहा है, और ठंड भी है। ब्रायन पार्क का ये जो एरिया ना एकदम बढ़िया है, जैसा फिल्मों में अपन गाने में जो देखा करते हैं वैसा वैसा एक जगह जैसा है, बहुत बढ़िया है, बहुत खूबसूरत है। देखिए लॉन अच्छा है। अब लगभग 6 बज गए, अभी यहाँ से ब्रायन पार्क से अभी निकलेंगे और लेक की तरफ जाएंगे। गाड़ी भी वहाँ पे पार्क किया हूँ, और एक्चुअली अपना कोडेकनाल सिटी में ज़्यादा देखने के लिए कुछ नहीं है, और यहाँ से दूर जाना पड़ता है। कल एक 30-35 किलोमीटर जाके एक खूबसूरत गांव है, वहाँ पे जाने का प्लानिंग है। और भी जगह है, लेकिन अंदर अंदर में बहुत है। Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. ना चाहते भी कुछ ना कुछ तो हम लेते ही हैं।
क्योंकि कोई भी हिल स्टेशन में हम लोग जाते हैं, वहाँ से कुछ ना कुछ तो खरीदते हैं, तो ऐसा वाला मार्केट में बहुत मज़ा आता है। ये सब जो लेक के बाजू में जो होटल और रेस्टोरेंट वगैरह है वो दिख रहा है अभी रात का, जो कैसे दिख रहा है वही अभी रिफ्लेक्ट हो रहा है लेक पे, बहुत बढ़िया दिख रहा है, डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल दिख रहा है। कोडेकनाल में अभी मैं 2 दिन से ये होटल से खाना खा रहा हूँ, अब तक तो ठीक है, मुझे अभी एक होटल थोड़ा ठीक लग रही है। लास्ट टाइम मैं पिछली बार आया था मेरा पेट पूरा ख़राब हुआ था। यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि खाने पीने का ना थोड़ा संभालना पड़ता है भाई, अपने को ज़्यादा नहीं जमता है, तेल है या पानी है मालूम नहीं, लेकिन कभी भी खाता हूँ ना एक कभी हजम नहीं होता है, नहीं तो फिर पेट ख़राब हो जाता है। तो अभी 2 दिन से तो ये होटल से खाना खा के अब तक प्रॉब्लम नहीं है, कल का मुझे नहीं पता। गुड मॉर्निंग, कल आते आते देर हो गई थी, रात हो गई थी, तो फिर कल का जो सिटी में जो भी था हमने देखा, और आज थोड़ा लंबा जाने का प्लानिंग है, तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करो और चैनल को लाइक एंड शेयर करो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। नया वीडियो लेके जल्दी आता हूँ।